तो ट्रेडर्स, आज हम बंधन बैंक के चार्ट का एनालिसिस कराने वाले हैं कि मैं आपको रिकमेंड कर सकूं कि आप इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। तो चलिए इसको हम एनालिसिस करते हैं। आज डेट है 2 मार्च 2021 और ये मैं आज इसकी एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को 10 या 12 दिन बाद देखेंगे तो सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है। तो ये वीडियो आपको अगर जल्दी देखते हैं तो आपको फायदा होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बंधन बैंक का चार्ट है, टाइम फ्रेम है 1 डे। और अब इसमें मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ कि मेरा इसमें एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहली बात, हम इसमें आपको ये दिख रहा होगा डबल टॉप, कलर में ऊपर ये डबल टॉप है, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न ये है 1 और ये 2, ये है डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। हम एक और ये रेजिस्टेंस भी है जहां पर ये पहले भी जाके दूसरी बार नीचे आया है। अब हम ये नीचे ये है सपोर्ट, ठीक है, इस सपोर्ट पे आने के बाद ये ऊपर गया था और इसने डबल टॉप का पैटर्न बनाया था और उसके बाद अभी ये नीचे आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये इस सपोर्ट पे आया था, ये सपोर्ट है इसका, ठीक है। अब हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, एक ट्रेंड लाइन और, परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि एक बुलिश पैटर्न है। लेकिन हम सिर्फ बुलिश के लिए नहीं जाएंगे, हम दोनों की तरफ देखेंगे कि अगर नीचे आता है तो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे और ऊपर जाता है तो भी हम प्रॉफिट कमाएंगे, यानी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों पे हम, ब्रेकआउट होता है तो बाय करेंगे और ब्रेकडाउन होता है तो हम सेल करेंगे सबसे पहले। लेकिन आपको 1 डे की टाइम फ्रेम पे बाय और सेल नहीं करना है, नहीं तो आप प्रॉफिट से बहुत लेट हो जाएंगे। एंट्री के लिए आपको जो एंट्री के लिए टाइम फ्रेम है वो यूज़ करनी है 15 मिनट। आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको 15 मिनट की टाइम फ्रेम कैसे यूज़ करनी है। इसको थोड़ा और लंबा खींच लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर ये चार्ट ऊपर जाता है यानी ब्रेकआउट देता है तो इसका डायरेक्ट पहले ये सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस करेगा, उसके बाद ये, तो ये डायरेक्ट यहाँ तक अपन को मिल सकता है। और अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो इसके डायरेक्ट ब्रेकडाउन देने पे आपको नहीं करना है क्योंकि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। तो आपको अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो इसको पहले नीचे आने दीजिए, फिर इसको रिटेस्ट करने दीजिए और फिर हम इस सपोर्ट तक प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। ट्रेडर्स, जैसा कि आपको अगर समझ में आ रहा होगा, ये ड्राइंग में मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम 15 मिनट पे देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि एंट्री उसी पे करनी है आपको। ये हमने लगा दिया 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। तो ये जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हमको कैंडल को क्लोज होने देनी है। फर्स्ट कैंडल जो इसकी ब्रेकआउट की आएगी उसको क्लोज होने देना है और उसके बाद एंट्री करनी है। और नीचे पहले ये नीचे आएगा, फिर रिटेस्ट करेगा और फिर नीचे जाएगा। तो हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है वहां तक हमको इसका प्रॉफिट लेना है। और अभी 1 डे की टाइम फ्रेम लगाता हूँ, मैं आपको एक कंफर्मेशन भी बता देता हूँ कि ये कंफर्म कैसे कर रहा है कि ये करेगा ये, ठीक है। तो अब कंफर्मेशन के लिए हम एक इंडिकेटर लगाएंगे जो कि आप सबको पता है, EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसके हम सेटिंग्स को 200 कर देते हैं, 200 की मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे।
और अब आ गई है 200 की मूविंग एवरेज। आप देखिए कि कितनी बढ़िया पोजीशन पे ये अभी चल रहा है। ये हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वहां पर मूविंग एवरेज भी चल रही है, तो ये मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करता है, ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस करता है, ब्रेकआउट देता है 15 मिनट की कैंडल पे। तो हमें उस 15 मिनट की कैंडल पे बाय करना है, लेकिन उस कैंडल को क्लोज होने देना है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रही होगी उस पर बाय करना है। और अगर ये आता है तो ये, और अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो मूविंग एवरेज तो ही है, ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, इस ट्रेंड लाइन को आएगा रेजिस्टेंस, वापस रिट्रेस करेगा और नीचे आएगा, तब हमको बाय करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे टेक्निकल एनालिसिस हर चार्ट के आपके पास लाता रहूँगा जिनमें हम मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ये जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस था ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तक ये इस जोन के अंदर चल रहा है, यानी कि जब तक इस ट्रायंगल के अंदर चल रहा है, तब तक हमें बाय या सेल कुछ भी नहीं करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। और मूविंग एवरेज का भी अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है, तो ब्रेकआउट देता है तो बाय के लिए जाइए, ब्रेकडाउन देता है तो सेल के लिए जाइए, लेकिन सेल के लिए आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है, पुल बैक आएगा तो उसके बाद वापस नीचे आएगा तब आपको करना है। और ब्रेकआउट आप फर्स्ट कैंडल के बाद सेकंड कैंडल बनती है तो उसमें ले सकते हैं, कैंडल के क्लोज होने का इंतजार कीजिएगा, 15 मिनट पर आपको एंट्री लेनी है दोनों साइड में। ठीक है, अब अगर प्रॉफिट्स की बात कर लें तो आपको कितना प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म पोजिशन अगर आप यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेंड लाइन के नीचे 70 तक रुपये आपको मिल सकते हैं, 2.75 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है, बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। यह है बाय साइड के लिए। सेलिंग के लिए देखते हैं शॉर्ट पोजीशन, तो यहाँ से फर्स्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और यहाँ तक, इसमें भी हमें 3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है, आप 48 रुपये कमा सकते हैं और 15 रुपये आपके लिए स्टॉप लॉस होंगे। तो आई होप आपको ये सब, ये चार्ट एनालिसिस का वीडियो पसंद आया होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।